नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। स्वागत है आपका उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में। देहरादून में हुनर हाट कार्यक्रम की शुरुआत हो गई है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने इसकी शुरुआत की। इस कार्यक्रम का मकसद स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देना है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वोकल फॉर लोकल अभियान, जिसके तहत लोकल वस्तुओं का इस्तेमाल करते हुए लोकल व्यापारियों को सशक्त बनाना और दूसरे लोगों को भी ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करने की पहल के तहत देहरादून में 30वें हुनर हाट का शुभारंभ किया गया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हुनर हाट का उद्घाटन किया। हुनर हाट 29 अक्टूबर से 7 नवंबर तक देहरादून के श्री गुरु नानक पब्लिक गर्ल्स इंटर कॉलेज के ग्राउंड पर आयोजित होगा। ये सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक चलेगा। मैं प्रधानमंत्री जी का, चूंकि जो आत्मनिर्भर भारत हमारे छोटे छोटे समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए जो ऐसे लोग जिनके अंदर बहुत सारी प्रतिभाएं हैं, जिनके अंदर प्रतिभा है, जो कुछ करना चाहते हैं, ऊर्जा है, उस ऊर्जा का उपयोग करें, उस प्रतिभा को लोगों के सामने लाएं, उसके लिए उन्होंने इस प्रकार की व्यवस्था करी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हुनर हाट मेले का आयोजन देहरादून में करवाने पर केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने देवभूमि उत्तराखंड में विभिन्न राज्यों से आए हुनरमंदों का स्वागत करते हुए कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत की दिशा में हुनर हाट मेले का आयोजन एक सराहनीय कदम है। माननीय मुख्तार अब्बास नकवी जी का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने इस कार्यक्रम के लिए हमारे इस देहरादून की धरती का चयन किया और यहाँ पर सभी को यहाँ पर बुलाया, सभी से मिलने का अवसर प्रदान किया, सभी की प्रतिभाओं का। एक बार मैं चाहूँगा जोरदार तालियां बजा दीजिए। सीएम धामी ने कहा कि वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने के लिए भी इस तरह का आयोजन महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। विदेश में वन डिस्ट्रिक्ट टू प्रोडक्ट को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसमें देश के अलग अलग हिस्सों के हस्तशिल्प कलाओं को देख सकते हैं। विभिन्न राज्यों से पकवानों के स्टॉल इस मेले में लगाए जा रहे हैं। हुनरमंद लोगों ने वेस्ट को बेस्ट में बदलकर स्वरोजगार को बढ़ावा दिया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनबी न्यूज। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कई विकास कार्यों के लिए 19.17 करोड़ रुपए की वित्तीय और प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की है। मुख्यमंत्री ने विधानसभा क्षेत्र लोहा घाट के अंतर्गत मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत 6 कार्यों के लिए 376.25 लाख रुपए की धनराशि की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है और विधानसभा क्षेत्र केदारनाथ के अंतर्गत विजयनगर तैला मोटरमार्ग के मरघट से बाराकोट से सिरोड गांव मला सिल्ला तक अतिरिक्त मोटरमार्ग के निर्माण के लिए 46.61 लाख रुपए की धनराशि के साथ अन्य कामों के लिए भी सहायता राशि प्रदान की है। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में उत्तराखंड की धार्मिक संस्कृति और प्राचीन धर्म स्थलों के महत्व पर लिखित पुस्तक माँ पीताम्बरा का विमोचन किया। मुख्यमंत्री ने पुस्तक के लेखक रमाकांत पंत प्रकाशक ललित पंत को बधाई देते हुए कहा कि देवभूमि उत्तराखंड में ऐसे अनेक प्राचीन धार्मिक स्थल मौजूद हैं जो देवभूमि की सांस्कृतिक समृद्धि को दर्शाते हैं। उन्होंने कहा कि राज्य के ग्रामीण अंचलों एवं वन्य क्षेत्रों में स्थित ऐसे धर्म स्थल जहाँ स्थानीय लोगों की धार्मिक परंपराओं के प्रमुख केंद्र है, वही धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से भी ये काफी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि ऐसे प्राचीन धार्मिक स्थलों के समुचित विकास के लिए सरकार हर संभव कदम उठाएगी। और खबर मसूरी से है, जहां कारगिल युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले ब्रिगेडियर अमरिंदर कसाना को झूलाघर स्थित शहीद स्थल पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। शहर के गणमान्य लोगों के साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने ब्रिगेडियर सदाना को श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं और मसूरी में जन्मे और अपने शिक्षा ग्रहण करने वाले ब्रिगेडियर सदाना का मसूरी से गहरा लगाव रहा है और वे समय समय पर मसूरी आते भी रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि उत्तराखंड वीरों की भूमि ही रही है और यहां से अनेकों वीरों ने अपनी शहादत दी है। सैन्य धाम को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा है कि बीजेपी इस पर राजनीति कर रही है। उन्होंने कहा कि सैनिकों की समिति के द्वारा ही सैन्य धाम का निर्माण किया जाना चाहिए था,
और इस अवसर पर राजनीति नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन बीजेपी इस पर लगातार राजनीति करती आ रही है। और इसके साथ ही प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने भी समर्थन अर्पित किए। तीस अक्टूबर शनिवार को दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे और इस बीच उत्तराखंड के देहरादून पहुंचकर धर्मपुर क्षेत्र के बन्नू स्कूल ग्राउंड में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इसके साथ ही रैली का भी आयोजन किया जाएगा। इसके लिए एएनबी न्यूज संवाददाता हरीश खनेरा ने कार्यक्रम स्थल पर पहुंचकर राज्यसभा सांसद नरेश बंसल से जानकारी ली। अक्टूबर यानी शनिवार के दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा उत्तराखंड में होना है। इस बीच हमारे साथ बातचीत करने के लिए राज्यसभा सांसद जी मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि किस तरह की तैयारियों को लेकर के बंसल साहब क्या कुछ तैयारी रहेगी कल अमित शाह जी उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे। पूरी तरह तैयारी है। हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री जिन्होंने इतने बड़े बड़े काम किए, 370 को खत्म करना, 3 तलाक, CAA, इस प्रकार के जो महत्वपूर्ण कानून जिनकी देश की जनता को लंबे समय से मांग थी, उन सबको सहज तरीके से पूरा करने का काम दृढ़ निश्चय लेकर जिन्होंने किया है, ऐसे हमारे यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी आ रहे हैं। कार्यकर्ताओं में, जनता में व्यापक उत्साह है। उनका जो यहाँ कर कार्यक्रम होगा, घिसियारी योजना की लॉन्चिंग होगी और जो 900 के लगभग 965 पैक्स हैं उनके कंप्यूटराइजेशन का भी लॉन्चिंग होगा। ये बहुत बड़ा सहकारिता के क्षेत्र में क्रांतिकारी काम होने जा रहा है। इसको लेकर के बहुत उत्साह है। माताओं बहनों के जो कष्ट है, जिनको घास लेने के लिए जंगल जाना पड़ता था, उनके कष्ट को कम करने के लिए अब उनको पशुओं के लिए चारा लेने के लिए जंगल नहीं जाना पड़ेगा। उसके कारण जो दुर्घटनाएं होती थी वो रुकेंगी और पोषण युक्त जानवरों के लिए आहार स्लाइस के रूप में उनको यहीं पर प्राप्त होगा, उनके घर के आसपास। इस प्रकार की महत्वाकांक्षी और माताओं बहनों के सशक्तिकरण करने वाली, उनके कष्ट को कम करने वाली योजना। रैली का भी आयोजन होना है, क्या कुछ रहेगा रैली में? यहीं पर सब लोग रहेंगे, उनके संदेश को सुनेंगे। हमारे गृह मंत्री जी यशस्वी को हमारे सब कार्यकर्ता और जनता देखना और सुनना दोनों चाहती है, तो इसलिए वो यहाँ पर आएंगे। बैठक भी होनी है कोर कमेटी की, या चुनाव भी नजदीक है, किस तरह की तैयारी? लेकर कोर कमेटी की बैठक होगी, उसमें भी जो आगे की चुनाव की रणनीति होगी उस पर भी चर्चा होगी। कितने दिन का कार्यक्रम रहेगा? एक ही दिन का कार्यक्रम है, सायंकाल वो चले जाएंगे। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए थे राज्यसभा सांसद नरेश बंसल जी, जिनका सीधे तौर पर कहना था कि अब चुनाव है, चुनाव को लेकर के अब तैयारियां की जा रही हैं और इसी प्रदेश में उत्तराखंड में भी अमित शाह का दौरा है, उसी को लेकर के कल वो देहरादून में रहेंगे। अपने सहयोगी रमन जायसवाल के साथ हरीश कंगा, एनडी न्यूज। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। विकास में अग्रसर सरकार, जनगण मन के हुए सपने अब साकार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने सभी कार्यालयों में अधिकारियों और कर्मचारियों को सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक जन समस्याओं को सुनने और उनका समाधान करने के कड़े निर्देश दिए। अब तहसील दिवस के अवसर पर सभी अधिकारी मौजूद रहते हैं, अब जनता को बेहद आसानी हो रही है। उत्तराखंड में एक नया जोश आया है, जैसे उत्तराखंड को मुख्यमंत्री की तलाश थी उस तरह से वो काम कर रहे हैं। वर्तमान में मुख्यमंत्री जी द्वारा कार्यालयों का औचक निरीक्षण किया जा रहा है, जिससे सभी अधिकारी और कर्मचारी अनुशासित होकर कार्य कर रहे हैं। यही नहीं, यदि आप किसी कार्यालय में नहीं जाना चाहते तो आप घर बैठे ही मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1905 पर अपनी समस्या दर्ज करा सकते हैं। सुशासन के संग है हम, उत्तराखंड है हम। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर पौड़ी से है, जहां कांग्रेस की समीक्षा बैठक में जमकर हंगामा हुआ। दरअसल आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस के पूर्व अल्पसंख्यक आयोग के जिला प्रभारी नरेंद्र जीत सिंह बिंद्रा के पौड़ी आगमन पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं द्वारा
जिला पंचायत के पुराने सभागार में समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया था और इसी दौरान बैठक में कुछ बातों को लेकर कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ गए, जिसमें कार्यकर्ताओं में आपस में जमकर खींचतान भी होती हुई नजर आई और वहीं आक्रोशित कार्यकर्ताओं का गुस्सा इतना ज्यादा था कि बैठक के दौरान हाथापाई से लेकर जूते चलने तक की घटना होती हुई दिखाई दी। महिला मोर्चा के पूर्व जिलाध्यक्ष कमला रावत जूता फेंकते हुए भी दिखाई पड़ रही हैं। बाजपुर के रिवरडेल विद्यालय में ब्लॉक स्तरीय खेल महाकुंभ का बीजेपी प्रवक्ता राजेश कुमार ने शुभारंभ किया है। इस दौरान खेल महाकुंभ में विभिन्न विद्यालयों की टीमों ने प्रतिभाग किया। बता दें कि कोरोना के चलते बीते दो वर्षों में खेल महाकुंभ का आयोजन नहीं किया जा सका और जिसको लेकर अब बाजपुर में खेल महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान राजेश कुमार ने जीत हासिल करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित भी किया। इस मौके पर राजेश कुमार ने लोगों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के चलते सभी लोग अपने घरों में कैद थे, ऐसे में लोगों की जिंदगी को बचाना सरकार की पहली प्राथमिकता थी। इसी के चलते खेल महाकुंभ बीते दो वर्ष नहीं कराए गए, लेकिन कोरोना वायरस कम होने के बाद खेल महाकुंभ कराकर खेल प्रतिभाओं को आगे लाने का कार्य किया जा रहा है। ये खेल प्रतिभाएं हैं और ये खेल महाकुंभ कहाँ से ये शब्द निकला है? ये 2017 से जो 2022 के बीच की सरकार है, जो हमारे खेल मंत्री हैं अरविंद पांडे जी की, इसमें बहुत बड़ी अहम भूमिका रही है। विगत दो वर्ष के बाद जो गैप रहा है, और जब हम एक दूसरे से बचते थे, छूने से भी डरते थे, मगर सबकी जीत हुई है। कोरोना हारा है, देश जीता है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, जो प्रतिभाएँ हैं, छुपी हुई प्रतिभाएँ, जो अपने क्षेत्र से निकल के विश्व के मानचित्र पर भारत का नाम जो है बुलंद करेंगे, विश्व के मानचित्र पे मां भारती को जो पदक दिलाएंगे। बाजपुर में कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने 3,33,00,000 की लागत से बने मिनी खेल स्टेडियम का लोकार्पण किया। इसके साथ ही कैबिनेट मंत्री ने मिनी स्टेडियम में जल्द कोच उपलब्ध कराने की भी बात कही है। बता दें कि बाजपुर में चीनी मिल की भूमि पर 3,33,00,000 रुपए की लागत से बना मिनी खेल स्टेडियम लंबे समय से लोकार्पण का इंतजार कर रहा था और मिनी खेल स्टेडियम का लोकार्पण न होने से क्षेत्र के युवाओं को लाभ नहीं मिल पा रहा था, जिससे युवाओं द्वारा लगातार कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे से मांग की जा रही थी और जिसके चलते कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने खेल स्टेडियम का लोकार्पण किया। अरविंद पांडे ने कहा कि कोरोना वायरस के चलते मिनी खेल स्टेडियम का लोकार्पण होने में देरी हुई है, लेकिन अब खेल स्टेडियम को जल्द ही विभाग के हैंडओवर कर दिया जाएगा। पहले ही कोविड की वजह से हम इसमें काफी लेट हो गए हैं और तत्काल सचिव को, डायरेक्टर को मैंने निर्देश दे दिया है कि इस प्लेटफॉर्म को हैंडओवर भी करना है बिल्कुल से, और तत्काल जो ट्रेनिंग वाला काम, जिस उद्देश्य के लिए इसको बनाया गया है, प्रॉपर कोच की तैनाती करके बच्चों को ट्रेनिंग दी जाएगी और हैंडओवर वाली कोई दिक्कत कहीं से कहीं तक नहीं है। देखिए, अभी तो स्टार्टिंग में एक ही कोच आएगा, जो वो कई विषयों का होगा। बेसिक जो कोच होते हैं बच्चों की, छोटी उम्र के बच्चों को, उनको मोटिवेट करेगा और बाद में जो हमारी प्रतियोगिताएं होती हैं उन प्रतियोगिताओं के योग्य बनाने की उसको। हल्द्वानी में इंदिरा विकास संकल्प के आज तीसरे चरण की शुरुआत हो चुकी है। कांग्रेस नेता सुमित हृदयेश और सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता पंचक्की चौराहे से मुनखानी चौराहे तक पहुंचे हैं। वहीं इंदिरा विकास संकल्प यात्रा के तहत सुमित हृदयेश का स्थानीय लोगों ने जमकर स्वागत भी किया। महिलाओं संग युवा और बुजुर्गों ने भी कदम से कदम मिलाते हुए स्वर्गीय डॉक्टर इंदिरा हृदयेश को नम आंखों से याद किया। यात्रा के तहत सुमित हृदयेश ने वार्ड के लोगों को भरोसा दिलाते हुए कहा कि स्वर्गीय डॉक्टर इंदिरा हृदयेश की किए गए विकास कार्यों को वे आगे बढ़ाएंगे। बता दें कि इंदिरा विकास संकल्प यात्रा में सुमित हृदयेश हल्द्वानी विधानसभा के सभी क्षेत्रों में जाकर व्यापक जनसंपर्क कर रहे हैं। तीसरा चरण हमने प्रारंभ करा है क्योंकि बीच में कार्यक्रम आ गए थे, फिर आपदा आई, तो इसलिए स्थगित करना पड़ा कुछ दिनों तक। लेकिन अब ये दो दिन हमारे पास, ये दो दिन का अवसर है जब हम ये यात्रा को पुनः वार्ड 48, 39 और 50 में हम निकाल रहे हैं। और देखिए, संकल्प वही है इंदिरा जी का, जो विकास की सोच है, जो उनके कौशल थे, जो उनकी क्षमताएँ थी, उसको हमें दोबारा इन चीज़ों को, इन विचारों को पुनर्जीवित रखना है क्योंकि आवश्यकता ये हो चुकी है कि समय बदल गया है। आज वो हमारे बीच में नहीं, लेकिन जो उनके लोग हैं, जो उनके क्षेत्रवासी हैं, उनको जिन चीज़ों की अच्छी आदतें थी कि विकास हमारे क्षेत्र में हमेशा होगा, जब इंदिरा जी थी कि हमेशा वो उपलब्ध रहेंगी हमारे लिए, कभी भी उनके घर हम जाएं, यही चीज़ों का पुनः संकल्प लेते हुए जनता के बीच में जा रहे हैं और बहुत आशीर्वाद मिल रहा है। यहां रुकते हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए।
राष्ट्र धर्म। रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। हर आम अते खास व्यक्ति दा सुपना हुंदा है कि उसका अपना एक घर होवे अते ऐ सुपना पूरा करन विच मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी दी अगुवाई वाली पंजाब सरकार ने लोका दा साथ दिता है। मेरा घर मेरे नाम स्कीम तहत पिंडा दे नाल नाल हुन शहरा विच भी लाल लकीर अंदर पैंदे घरां दे मालकाना हक दित्ते जाणगे। इन्हां घरां दी डिजिटल मैपिंग माल विभाग द्वारा कीती जावेगी। इस दे नाल ही सूबा सरकार वल्लों प्रवासी भारतीयां दा खास ध्यान रखते हुए उन्हां दी जायदाद दी सुरक्षा लई नवा कानून ल्यांदा जावेगा। परिवार का सपना साकार करती पंजाब सरकार। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड के चमोली में आज मुख्यमंत्री महिला स्वयं सहायता समूह सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत स्वयं सहायता समूहों और संकर स्तरीय संगठन को आर्थिक सहायता प्रदान किए जाने के लिए पुलिस मैदान गोपेश्वर में चेक वितरण कार्यक्रम आयोजन किया गया और इस दौरान शुरुआती बद्रीनाथ विधायक महेंद्र भट्ट द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस मौके पर स्वयं सहायता समूह के द्वारा रंगारंग मनमोहक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। आपको बता दें कि पूरे प्रदेश के अंदर महिलाओं के स्वयं सहायता समूह से जुड़ने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है ताकि महिलाओं के आजीविका में सुधार आ सके और इस मौके पर स्थानीय विधायक ने 12 स्वयं सहायता क्लस्टर को 60 लाख रुपए के चेक वितरित किए। पूरे प्रदेश के अंदर महिलाओं को स्वयं सहायता समूह से जुड़ने का पहली बार हम लोग देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में खास तौर पर आजीविका के क्षेत्र में इतना योगदान महिलाओं का है, उसको प्रोत्साहित करने का अवसर लिए माननीय मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 6 माह के लिए प्रत्येक महिला समूह के लिए 2000 के हिसाब से उसकी मंजूरी दी है और जो हमारे समूह स्वयं सहायता समूह के जो 12 क्लस्टर चमोली जिले के अंदर है प्रत्येक क्लस्टर के लिए 5 लाख रुपये यानी कि 60 लाख रुपये इस हमारा जो यहाँ पे सम्मान समारोह है आज हमारे मॉडल क्लस्टर जो नंबर है उसको 5 लाख का चेक मिलने वाला है। इसी में हमारे सारे ग्रुप आए होंगे और मैं ऐसे भी मैं आपको आज हमें जो इतना बड़ा सम्मान समारोह पे उसमें हम लोगों को आगे बढ़ाया जा रहा है। हम महिलाओं का वेट कर रहा है हमें महसूस कर रहा है। धन्यवाद। ये कार्यक्रम तो हमारा लगभग 2014-15 से चल रहा है एक मूवमेंट की तरह चल रहा है। तो वर्तमान में माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस कार्यक्रम के तहत स्वयं सहायता समूह की जो हमारी महिलाएं हैं जो उनके पटेंशियल्स हैं उनको आर्थिक पैकेज देने के उद्देश्य से और उनका सशक्तिकरण करने के उद्देश्य से विशेष आर्थिक पैकेज की जो है घोषणा की। तो इस जनपद में लगभग हमारे 3000 के करीब जो है स्वयं सहायता समूह हैं उनके तमाम जितने भी हमारे जनता सहायता समूह हैं उनको एक आर्थिक पैकेज प्रतिमाह लगभग 6 माह फरवरी तक जो है सितंबर से फरवरी माह तक 2000 रुपया प्रतिमाह की दर से हम उनको दे रहे हैं। खबर देहरादून से है जहां पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने आज थाना क्लेम टाउन में नौकरी दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी करने वाला सातिर कबूतरबाज को गिरफ्तार किया है। आरोपी विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी करता था। उसका टारगेट ज्यादातर सेना से रिटायर्ड लोग रहते थे। रिटायर्ड लोगों को सिक्योरिटी गार्ड के रूप में कनाडा में जॉब दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी करता था। वही पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के पास से एक लैपटॉप, एक मोबाइल फोन, 35 पासपोर्ट, फर्जी कनाडा और दुबई के वीजा बरामद किए हैं। वही SSP जन्मेजय खंडूरी ने क्लेमटाउन थाना क्षेत्र के साथ ही डोईवाला में चोरियों की घटनाओं को अंजाम देने वाले का मामला का खुलासा किया है और SSP जन्मेजय खंडूरी ने बताया है कि डोईवाला में बंद पड़ी फैक्ट्रियों में लगातार चोरी की घटनाओं की सूचना मिल रही थी जिसके बाद पुलिस ने एक टीम का गठन कर आरोपियों को गिरफ्तार किया है और जिसमें एक पुलिसकर्मी भी शामिल है। SSP ने बताया कि सिपाही पर लंबे समय से पुलिस के आला अधिकारियों की नज़र थी और जब चोरी की घटना को अंजाम देते तब सिपाही पुलिस के मूवमेंट की जानकारी चोरों को देता था। है
डोईवाला में स्क्रैप फैक्ट्री से लगातार स्क्रैप की चोरी की जा रही थी, तो हमारे द्वारा उसमें टीम गठित की गई और टीम गठित करने के बाद जो अभियुक्त थे जिनके की द्वारा ये चोरी की जा रही थी, तो उनको चोरी के माल के साथ हमारे द्वारा गिरफ्तार किया गया है। उसमें बड़ा एक आश्चर्य की बात ये थी कि उसमें हमारा एक कांस्टेबल भी इन्वॉल्व था, उस कांस्टेबल के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है और उसको मेरे द्वारा सस्पेंड भी किया गया है। देखिए बेसिकली जब जब चोरी होती थी तो ये सिपाही उन चोरी के बारे में जानता था, और जब चोरी होती थी तो जो अभी तक के जो प्रथम दृष्टिया है उसमें यह है कि इसके द्वारा चोरी के एवज में उन चोरों से पैसे लिए जाते थे, तो इसलिए इसका भी इन्वॉल्वमेंट पूरा का पूरा चोरी में बनता है। तो इसके चलते ही इस पर भी जो हमारा कांस्टेबल है उस पर भी कार्रवाई की गई है। दीपावली के करीब आते ही खाद्य विभाग भी एक्टिव दिखाई देने लगा है। दरअसल शुक्रवार को खाद्य विभाग की टीम ने शहर में मिठाइयों के कई दुकानों पर छापेमारी की है, और इस दौरान मिलावट की आशंका के चलते मिठाइयों की दुकान से सैंपल भी लिए गए हैं, जिन्हें जांच के लिए रुद्रपुर सरकारी लैब में भेजा गया है। खाद्य विभाग के अधिकारियों ने कहा है कि अगर जाँच में गड़बड़ी सामने आती है तो संबंधित दुकानदार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दीपावली के त्यौहार के मद्देनज़र छापेमारी की जा रही है, और अभी तक करीब 4-5 दुकानों का हमने मिठाई की दुकानों का इंस्पेक्शन किया है, और 3 नमूने अभी तक ले लिए हैं, एक पेठा का और एक गजक का, और यहाँ से स्वामी डेयरी से लड्डू का सैंपल लिया गया, और आगे भी अभी हम चेकिंग अभियान आज जारी रखेंगे। हाँ, उसके खिलाफ हम नोटिस दे रहे हैं, क्योंकि ये पिछले भी त्यौहार में इनको कहा गया था तो पिछले त्यौहार में लगा लिए थे, लेकिन अभी जो है इन्होंने फिर से लगाया नहीं है टैग, तो इनको नोटिस दिया जा रहा है कि इसको आज ही के दिन इसको रात में आपको टैग लगा हुआ मिलना चाहिए सभी दुकानों पर। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। विकास में अग्रसर सरकार, जनगण मन के हुए सपने अब साकार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने सभी कार्यालयों में अधिकारियों और कर्मचारियों को सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक जन समस्याओं को सुनने और उनका समाधान करने के कड़े निर्देश दिए। अब तहसील दिवस के अवसर पर सभी अधिकारी मौजूद रहते हैं, अब जनता को बेहद आसानी हो रही है। उत्तराखंड में एक नया जोश आया है, जैसे उत्तराखंड को मुख्यमंत्री की तलाश थी उस तरह से वो काम कर रहे हैं। वर्तमान में मुख्यमंत्री जी द्वारा कार्यालयों का औचक निरीक्षण किया जा रहा है, जिससे सभी अधिकारी और कर्मचारी अनुशासित होकर कार्य कर रहे हैं। यही नहीं, यदि आप किसी कार्यालय में नहीं जाना चाहते तो आप घर बैठे ही मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1905 पर अपनी समस्या दर्ज करा सकते हैं। सुशासन के संग है हम, उत्तराखंड है हम। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में पिछले दिनों आई आपदा से जहां सरकारी और गैर सरकारी संपत्तियों को भारी नुकसान हुआ है, वहीं रोजगार का एक बड़ा हब कहे जाने वाले पर्यटन को भी भारी नुकसान उठाना पड़ा है। पर्यटन अधिकारी ने बताया है कि 2 साल के कोविड काल के बाद पर्यटन को पंख लगने लगे थे, लेकिन अचानक इसी आपदा से अब स्थिति फिर बिगड़ने लगी है। होटल मालिकों का कहना है कि अभी बहुत कम पर्यटक आ रहे हैं और इस आपदा से 70-80% नुकसान हो गया है। उसे पर्यटकों की काफ़ी बड़ी संख्या में जो अक्टूबर में सितंबर में आने शुरू हो गए थे, परंतु दोबारा आप देखेंगे कि जो अनटाइमली हमारे यहाँ इस बार एक बारिश हुई, जिसकी वजह से काफ़ी जगह लैंडस्लाइड और आपदाओं के केसेस हुए, तो उसकी वजह से पर्यटकों में एक तो जो हमारे रोड हैं और हमारी जो सड़कें हैं वो टूट फूट गई हैं, तो उसकी वजह से उनमें एक तो डिटरेंस हो गया है। दूसरी वजह से इसमें आप देखेंगे कि इससे काफ़ी 60-70% हमारे यहाँ जो टूरिस्ट हैं उन्होंने अपनी बुकिंग कैंसिल करा ली है, जिसे वापस से हमारा पर्यटन का जो व्यवसाय है प्रभावित हुआ है। परंतु मुझे लगता है कि उत्तराखंड में दोबारा से स्थितियाँ, देखिए जो नुकसान पर्यटन को हुआ है वो बहुत बड़ा नुकसान हुआ है,
कम से कम 70-80% इस वक्त जो टूरिस्ट है उसका जो आगमन है वो रुक चुका है और बहुत कम टूरिस्ट आ रहे हैं और ये जो 2-4 हफ्तों में बहुत बड़ा नुकसान पहाड़ के पर्यटन ने। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के दिशा निर्देश पर किच्छा पुलिस की ओर से बड़े पैमाने पर नशे के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। एक महीने के अंतराल में किच्छा पुलिस ने दर्जनों नशा तस्करों पर शिकंजा कसते हुए उन्हें जेल भेजने की कार्रवाई की है। किच्छा पुलिस की कार्रवाई से नशा तस्करों में हड़कंप मचा हुआ है। शुक्रवार को भी किच्छा पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। किच्छा पुलिस ने करीब 22 लाख कीमत के अवैध स्मैक अफीम के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए दोनों आरोपी उत्तर प्रदेश के बरेली के रहने वाले बताए गए हैं। ऐसा श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार नशा कारोबारियों के विरुद्ध अभियान चलाया गया था, जिसमें आज काफ़ी किच्छा पुलिस को सफलता मिली है, जिसमें 200 ग्राम स्मैक व 450 ग्राम अफीम बरामद की गई है, जिसको ये लोग बरेली करेली करगहना से खरीद के लाए थे। ये आपस में दोनों दोस्त हैं, यहाँ किसी को देने आए थे। और उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एएनबी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।